बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे, बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। पैसा चुंबक की तरह खींच लेगी ये चढ़, कहीं मिले तो छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करिएगा। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आप भी कहीं इस पौधे को देख लेते हैं तो इसे तुरंत आपको तोड़कर अपने पास रख लेना है। इस पौधे की जड़ में इतनी शक्ति है कि चारों दिशाओं से धन खींचकर आपकी तिजोरी को भर देगा और आपको रात और रात मालाबान बना सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, घर का मकान और दुकान लेने की इच्छा रखते हैं, तो इस जड़ के उपाय से आप उस इच्छा को पूरी जरूर कर सकते हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं है दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी। आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने अपने प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को इस चमत्कारी पौधे के बारे में बताया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस चमत्कारी पौधे के फायदे के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं क्या है आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के अपमार की जड़ के बारे में उपाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं वो है अपमार का पौधा। यह पौधा आपको घर के आसपास जंगली झाड़ की तरह उगता हुआ दिखाई जरूर दिया होगा, लेकिन आप इसे एक जंगली पौधा समझकर छोड़ने की गलती बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस चमत्कारी पौधे और इस चमत्कारी पौधे के जड़ में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जो आपकी किस्मत को रातों रात पलट कर रख सकती है, आपके बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है, आपको धन दौलत के साथ शोहरत, सुख समृद्धि और सौभाग्य दिला सकती है। तो चलिए बताते हैं इस पौधे के कुछ चमत्कारी फायदे और इस पौधे का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। गुरु जी बताते हैं कि इस पौधे का वर्णन हमारी लाल किताब और तंत्र शास्त्र में भी किया गया है। उसमें लिखा है कि एक बार इस पौधे की जड़ में अमृत की कुछ बूंदे गिर गई थी, जिसके वजह से पौधा चमत्कारी पौधा बना। इसी के साथ इस पौधे में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां भी विराजमान रहती हैं। चलिए बताते हैं इसके चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी में शुभ फल देंगे। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं या अपनी जिंदगी में पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, लाखों दवाइयों के इलाज के बाद भी आपकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो अपमार का पौधा आपके लिए संजीवनी बन सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि अपमार की जड़ का काढ़ा बनाना है और हर माहवारी के पांचवें दिन इसे पी लेना है। अगर इस उपाय को लगातार आप 6 महीने तक करेंगे तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। इसी के अलावा यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, किसी को तहे दिल से चाहते हैं और वह आपको भाव नहीं दे रही है या वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, तो अपमार के पौधे से, इस चमत्कारी पौधे से आप उस व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने के लिए आपको अपमार के पौधे को गौरोचन के साथ पीस कर चंदन बनाना है और इस चंदन को माथे पर रोज तिलक की तरह लगाना है। और ऐसा आप रोज तिलक लगाकर उस व्यक्ति के करीब जाएंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे आपके करीब आने लगेगा और एक दिन ऐसा होगा कि वह आपसे शादी करने या विवाह करने के लिए राजी जरूर हो जाएगा। तो इसके अलावा गुरु जी ये भी कहते हैं कि अपमार की जड़ आपको अचानक से धनवान भी बना सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको अपमार की जड़ को गाय के शुद्ध घी में जलाकर उसका काजल बनाना है और इसे रोज अपनी आंखों पर लगाना है। ऐसा करने से आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने लगेगी। ऐसा करने से आपको कुछ ऐसी शक्तियों का आभास होने लगेगा जो आपको कड़ा हुआ धन ढूंढने में मदद करेगी और आगे चलकर आपको अचानक रुका हुआ पैसा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के चमत्कारी जड़ के कुछ उपाय, जिसे करने के बाद आपकी किस्मत जरूर पलट जाएगी और आप मालामाल हो जाएंगे। तो अगली बार जब भी आपको अपमार का यह पौधा दिखे, या जिसे चिरचिट्टा भी कहते हैं, आप इसे तुरंत तोड़कर अपने जेब में रख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरु जी की बताई हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर शेयर करें कि हम किस टॉपिक या किस विषय में अगला अपना वीडियो बनाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।